हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो फिलहाल 53.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें कल के दिन देखा जाकर भी 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, इस स्टॉक करीब मैं 30 रुपए के आसपास रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा था आराम से स्टॉक आपको 80 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, अभी 53.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपने स्टॉक को बाय कर रखा है तो आराम से इसको होल्ड कर, आराम से स्टॉक आपको 80 रुपए से जाते हुए देखने को मिलने वाला है। उसी तरह मैंने आपको धनलक्ष्मी बैंक भी रिकमेंड करा था 30 रुपए के आसपास, अभी देखते हैं 44 रुपए के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है और ये भी आपको आराम से 80 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है और इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह से डीसीबी बैंक अभी 110 से 120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर उसको बाइक करना चाहते हो उसको भी बाइक कर सकते हैं। आराम से स्टॉक आपको 250 तक जाते देखने को मिल सकता है। उस स्टॉक के अंदर अभी तक रैली नहीं आई है, पर आप धनलक्ष्मी बैंक में देखें चाहे आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में देखें, दोनों में एक अच्छी खासी रैली आ गई है। पर इसका यह मतलब नहीं कि अब ये रैली आपको और आते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है, ये रैली आपको बरकरार देखने को मिल सकती है। अगर आप 6 महीने में देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोई रिटर्न आके नहीं दिया है, उल्टा 1 से 1.5% गिरा ही है। वहीं अगर आप 1 साल में देखेंगे, देख सकते हैं करीब 94 से 95% रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं 27.30 पर ट्रेड कर रहा था, अभी 53.20 के आसपास आ चुका है। वहीं अगर आप इसका 5 ईयर में देखेंगे तो मात्र 2 से 3% रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप साल भर के हिसाब से देखें तो एक अच्छा रिटर्न बन चुका है, पर स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर आप इसका स्टॉक पी देखें तो 8.22 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही घिसा पिटा और स्टॉक, मैंने आपको पहले भी बोला स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैप 10,374 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं अगर आप इसे कॉम्पिटिटर देखेंगे तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस, IDBI, यस बैंक, SBI बैंक देखने को मिल रहे हैं। उनके हिसाब से इसका स्टॉक भी बहुत ही कम है 8.22 का, तो सबसे अंडर वैल्यू स्टॉक अभी अगर आप फिलहाल देखें तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल रहा है आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर। वहीं इसका आप ROC देखेंगे तो 10.63 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी बना के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो सबसे ज्यादा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इनका सेल्स देखेंगे जो इनका रेवेन्यू था दिसंबर 2020 में 688 था, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 1471 हो चुका है। तो यहाँ रेवेन्यू पूरा पूरा देखे तो डबल होते देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी पहले माइनस में था -480, जो कि बहुत ही खराब बात था, जो कि फिलहाल बढ़कर 2.210 हो चुका है। तो यहाँ फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पहले माइनस में देखने को मिल रहा था 380, जो कि फिलहाल प्लस में है 394, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो पहले 102 था, जो कि फिलहाल 150 हो चुका है मार्च 2023 में। तो यहाँ कैश फ्लो भी एक प्लस में देखने को मिला, +150 करोड़ है, जो कि बहुत ही सही है। वहीं अगर आप शेयर का पैटर्न देखिए, प्रमोटर होल्डिंग जून 2021 में 83.32 थी, जो कि फिलहाल मार्च 2024 में 73.52 हो चुकी है। तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, इसका ये मतलब नहीं स्टॉक खराब है। FIs की अगर आप देखेंगे फोर इन्वेस्टर की, 4 थी जो कि फिलहाल 3.48 हो चुकी है। DIs की देखेंगे तो 2.54 थी। DIs में अगर आप देखेंगे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बाद आदित्य बिरला सन्स हो गया, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको ICICI हो गया, ये सब देखने को मिल रहे हैं आपको। उसके बाद अगर आप देखिए पब्लिक की 10.53 थी, जो कि फिलहाल 20.67 हो चुकी है। तो और शेयर पैटर्न का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। स्टॉक एक तरह से अंडर वैल्यूड है, आराम से आप स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। पर्सनली ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है और मैंने इसको 30 रुपए के आसपास ही बाय कर रखा है, और अगर आप अभी भी बाय करनी सोचे तो अभी भी इसको आराम से बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर आप देखें तो एक अच्छी ऐसी रैली आ गई थी मंडे दिन, इसमें करेक्शन आता है मार्केट में और जीवन आपको गिरते हुए देखने को मिलता है, तो आराम से इसको आप 48 के पास ऐड करना चालू करिएगा और जितना गिरे उतना इसको खरीदिएगा। आराम से स्टॉक यहाँ से आपको अभी भी डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा 80 का, सेकंड टारगेट आपको 100 रुपये और थर्ड टारगेट इसका 120 का, तीनों को ही आपको अचीव करते देखने को मिलने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।